रख दिया यस और नो? यस। ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, आपको काफी सारी टर्म पता चल रही थी। पोटेंशियल के बारे में आप जानते हो, जिसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये पोटेंशियल वी और करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ओम में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जो मैंने बताया था, चार्ज जब रेस्ट पर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या चर्चा हुई थी अपनी? ओम्स लॉ, आपको एक ओम्स लॉ भी बता चुका था, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बताता है? कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। इस तरीके से कुछ ग्राफ आया था, आई इधर है, वी इधर है, यानी कि इधर वोल्टेज का है, इधर करंट का है। और इस तरीके से ये जो भी आई वी के इस ग्राफ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओहमिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस? ओहमिक डिवाइस। चलो तो यहां तक हमारी चर्चा कंप्लीट हुई थी, अब हम आते हैं सर्किट पर, ठीक है। मैंने आपको अमीटर भी बता दिया था। अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर तो समझाई थी, अब हम डायरेक्ट आते हैं सर्किट पर, ठीक है। तो सर्किट में आज छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उन छोटी छोटी बातों को ढंग से सुनोगे तो बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस, एक छोटा सा सर्किट उठाता हूं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि सीरीज में जब काफी सारे रेजिस्टेंस होंगे तब आपको सर्किट कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सपोज देयर इज आर वन, आर टू एंड आर थ्री, ये यहां पर एक वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है और ये रेजिस्टेंस आर थ्री है। यहां पर हम एमीटर लगा सकते हैं अगर करंट मेजर करना हो तो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और वोल्टेज जिसके क्रॉस मेजर करना है, आर टू के क्रॉस मेजर करना है, तो वोल्टेज वोल्टमीटर आर टू के क्रॉस लगाना है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम करंट देखो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो किस तरीके से वर्क होता है। देखो यहां पर जैसे ही मैं ये स्विच है, ठीक है, स्विच को जैसे ही क्लोज किया जाएगा इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये आप समझो इस तरीके से नल का टैप है, और टैप जैसे ही ऑन होता है उसमें से क्या निकलता है? वाटर। तो वाटर जो फ्लो होगा, ये वाटर इस पाइप में से फ्लो होता हुआ आर वन में जाएगा, आर टू में जाएगा, आर थ्री में जाएगा और एमीटर में होता हुआ वापिस से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? यहां से जैसे ही वाटर निकलेगा, वाटर किसमें जाएगा? आर वन। आर वन से तुम सोचोगे सर आर टू में भी जा सकता है, वोल्ट मीटर में भी जा सकता है, वोल्ट मीटर में भी जा सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर की एक खासियत रहती है, वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है वोल्ट मीटर। तो जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो उधर करंट नहीं जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या रहता है? अपोज ऑफ करंट। तो इसका आइडियली रेजिस्टेंस हमने कितना माना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर इसका रेजिस्टेंस होगा तो यहां पर करंट एंटर नहीं होगा। यस यस। तो यहां पर वोल्टमीटर इसका, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है आइडियल का, तो यहां पर कोई करंट नहीं जाएगी, तो सीधी सीधी करंट आर टू में जाएगी, फिर आर थ्री में और फिर अमीटर में होती हुई नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो हम यहां पर मानते हैं कि ये जो टोटल वी वोल्ट है उसमें से कुछ वोल्टेज, अच्छा इस वोल्ट मीटर को मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूं, है ना, कुछ समहा वोल्टेज वी वन इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस
में से अगर करंट निकलता है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। वी टू वोल्टेज इसका क्रॉस ड्रॉप हुआ होगा और वी थ्री इसके क्रॉस हुआ होगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर V वोल्टेज कितने में डिवाइडेड हुआ, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। और ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई आर आर इक्विवेलेंट है ना। तो वी वन, वी वन को मैं क्या लिख सकता हूं, वी वन को मैं लिख सकता हूं इसमें से आर वन में से कौन सी करंट फ्लो होने वाली है, आई। तो आई आर वन इक्वल टू वी वन। V2 में से आई आर टू, वी थ्री में वी थ्री को लिख सकता हूं आई आर टू। तो यहां पर मैं I करंट को कॉमन ले लेता हूं और I इधर भी है तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आई कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल आउट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वन प्लस आर टू प्लस आर, ठीक है। यानी कि जब भी सीरीज में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे तो उन रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप कॉपी कर लो, डायरेक्टली सर्किट हमारा कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। यहां पर मैं डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, वी वोल्टेज की बैटरी है ना, अमीटर वही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आर वन आर टू आर थ्री को हटा के मैंने आर इक्विवेलेंट लगा और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और ओम्स लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर इक्विवेलेंट। तो हमें आई चाहिए तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रही, वी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर, ये हमारा आई यू है, यानी कि नेट करंट के रूप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज सर्किट पर, उससे तुम्हारा क्लियर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कॉपी कर लेना, ठीक है। सपोज ये दे रखा है सिक्स ओम, 4 ओम और ये 10 ओम, और बैटरी लगी हुई है 40 वोल्ट की, ठीक है। ये जैसे ही हमारा स्विच है, इस स्विच को जैसे ही क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब कितना करंट इसमें फ्लो होगा तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना है, देखो ये सब सीरीज में ही है, सीरीज का पता कैसे लगेगा तुम देखना। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, यहां से जैसे ही वाटर निकलेगा यानी कि टैप जैसे ओपन होगा वाटर निकलेगा यानी कि करंट निकलेगा। तो करंट, जो करंट 6 ओम में जाएगा वो ही 4 ओम में भी जाएगा, और हमारी लाइट यहां पर जा चुकी है बच्चों। तो अगला सेशन हम कंप्लीट करते हैं। हाँ तो बच्चों हमारा क्वेश्चन चल रहा था 6 ओम 4 ओम और 10 ओम तीनों सीरीज में है, 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। जैसे ही करंट फ्लो होगा ये सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज का आइडिया मैंने बता दिया था, सेम करंट फ्लो होगी तीनों रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इक्विवेलेंट होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो नेट कितना हो जाएगा, 20 ओम, 6, 4, 10, 10, 10, 20। तो I जो करंट है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है, टोटल वोल्टेज है 40, R इक्विवेलेंट कितना है 20। तो यहां पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, यानी कि यहां से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट 6 ओम में से, 4 ओम में से और 10 ओम में से, तीनों में से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया जाएगा कि 4 ओम में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो 2 एम्पियर, 10 ओम में से 2 एम्पियर, सब में 2 एम्पियर, क्यों, सीरीज में। क्वेश्चन यहां पर एक और ये पुटअप हो सकता है कि 4 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है,
तो अब बात यहां पर आकर रुक जाती है कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला वही है वी इक्वल टू आई आर, लेकिन आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है किसमें से, फोर ओम से। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फोर लिख देता हूं ताकि पता लग जाए फोर ओम आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट नहीं देखना है, फोर ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, टू। रेजिस्टेंस कितना है इसका, फोर, तो टू फोर जा एट, यानी कि यहां पर एट वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। टेन में से तो टेन, कितना करंट फ्लो हो रहा है टेन ओम में, टू एम्पियर, तो आई इंटू आर, आई टू आर टेन, यानी कि 20 वोल्ट। इसमें सिक्स टू जा 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट इसके क्रॉस, 8 वोल्ट इसके क्रॉस, 20 वोल्ट इसके क्रॉस, टोटल नेट कितना वोल्टेज हो गया 40। आई चीज समझ, मान लेते हैं इस तरीके से एक बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की, सिक्स और फोर ओम। यहां पर डायरेक्ट अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि फोर ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आप डायरेक्ट पहले या तो करंट निकाल लो। करंट कैसे निकाल लो, तुम पता है आई इक्वल टू क्या है, वी बाई आर इक्विवेलेंट, तो वी कितना है 20, आर इक्विवेलेंट कितना है 6 और 4 की सीरीज में, तो 10 आई, ये तो हो गई आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 6 ओम में से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो टोटल पहले आई निकाल लो, आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो वी अपना 20 है, आर इक्विवेलेंट अपना 10 है, ये तो आ गया अपना आई, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, आई इंटू आर कितना 6, यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं आप कर लोगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये वी वोल्ट की बैटरी है जिसका क्रॉस R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। पैरेलल चीज आपको ये दिख जाएगी, जैसे ही मान लो मैं यहां पर स्विच को क्लोज करता हूं तो टैप में से वाटर का फ्लो होता है, तो वाटर का फ्लो यहां आते हैं, देखो वाटर का फ्लो एक इधर भी डाइवर्ट हो जाएगा और इधर भी डाइवर्ट हो जाएगा, तो जहां पर डाइवर्ट होता है उसको हम सीरीज तो नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये अगेन आगे जाएगा तो इसमें से कुछ पार्ट इसका अगेन इधर डाइवर्ट होगा, इधर डाइवर्ट होगा, तो यानी कि R1 और R2 एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, और R2 R3 एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। जहां पर भी इस तरीके से डाइवर्ट होते हैं और फिर वापस से आके उसी रेशियो में, जैसे यहां से जो करंट जाएगी वो वापिस से इधर आएगी, ये करंट मिलकर वापिस से इधर आ जाएगी, और फिर ये वाली जो आई थी वापिस से इधर मिलकर, यानी कि यहां से जो करंट निकली थी वो सेम करंट इधर से वापस आ गई। आज ये चीज समझ, यानी कि जहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पैरेलल सर्किट यूज में आता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, लेकिन यहां पर सपोज टोटल करंट आई था, आई में से कुछ करंट इधर गया I1, कुछ करंट इधर गया I2 और कुछ करंट इधर गया I3, और फिर I3 इधर से आया, I2 इधर से आया, यहां मिल गया I2 प्लस I3 और I1 इधर से आ गया, तो यहां वापस से नेट करंट क्या होगा I। ठीक है,
यानी कि सीरीज में करंट सेम नहीं रहता है, पिछले वाले की बात कर रहा हूं, और वोल्टेज डिफरेंट रहता है। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वी इक्वल टू आई आर मैंने बताया, जबकि पैरेलल वाले में यानी कि इस वाले की जो बात करता हूं, पैरेलल वाले में करंट क्या रहता है, डिफरेंट, अलग अलग है, आई वन आई टू आई थ्री डिफरेंट क्वांटिटी है ना, सेम भी हो सकती है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, प्रेजेंट है ना, और वोल्टेज सेम, आर थ्री के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, जितना आर टू का क्रॉस है उतना ही आर वन के क्रॉस है, वो कैसे मैं बताता हूं है ना, इसको थोड़ा सा और ढंग से बता देता हूं। यहां से आई निकली थी, इधर आई वन गई थी, इधर आई टू और इधर आई ऑफिस से आई वन, ये आई टू प्लस आई थ्री थी है ना, ठीक। तो यहां पर आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यानी कि नेट करंट आई तीन चीजों में, तीन ब्रांच में डिवाइड हो रही है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर लगाना हमें ओम्स लॉ, तो आई इक्वल टू वी बाय, अब यहां पर आर इक्विवेलेंट लगाना है क्योंकि ये मेन करंट है आई, और मेन करंट आई डायरेक्ट वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना, आई वन को क्या लिख सकते हो, आई वन इसमें जा रही है, इसका क्रॉस वोल्टेज कितना है, आर वन के क्रॉस वोल्टेज उतना ही है जितना बैटरी का क्रॉस है, वी अपॉन आर वन, आर टू आई टू किसमें से फ्लो हो रही है, आर टू में से, और आर टू का क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी, तो आई टू को लिख सकते हैं वी अपॉन आर टू प्लस आई थ्री को भी इसी तरीके से वी अपॉन आर, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर टू। अगर एन रेजिस्टेंस होते हैं तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन, आगे चलता रहेगा ये आर टू वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन वन अपॉन आर एन, एन रेजिस्टेंस अगर उसमें रहे, इस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, और टोटल करंट आई इक्वल टू वापिस से वही वी अपॉन आर इक्विवेलेंट भी किया जाता है, क्वेश्चन करवाता हूं वहां से और क्लियर होगा। जैसे कि सपोज 6 ओम 3 ओम के क्रॉस 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, 6 और 3 यहां पर क्या है, दो डिफरेंट पैरेलल रेजिस्टेंस है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है यहां से टोटल करंट निकलेगी आई, इसमें से जाएगी आई वन तो इसमें जाएगी आई टू, वापिस से निकल के यहां पर क्या है आई, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि टोटल करंट आई कितनी है, तो आई निकालना है तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो टोटल करंट आई निकालने के लिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी तो है हमारा 18 लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में होता तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाता, लेकिन यहां पर 6 और 3 क्या है पैरेलल में, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इसको जब एलसीएम से सोल्व करोगे तो 6 इंटू 3 इसका एलसीएम ले लो आप 6 तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 बाय 6 यानी कि 1 बाय 2 वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, तो आप यहां पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट 2 ओम डालो, आंसर क्या आएगा 9 एम्पीयर, यानी कि टोटल करंट कितनी फ्लो होगी इसमें से 9, ठीक है कॉपी कर लो।
बात आती है 9 एम्पियर ये टोटल करंट यहाँ से निकल रही है, तो इसमें से I1 कितनी जा रही है और I2 कितनी जा रही है, यहाँ पर ये चीज है। तो मैंने कहा है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या रहता है, सेम। जितना 6 ओम के अक्रॉस है उतना ही 3 ओम के अक्रॉस है, और इन सब के अक्रॉस क्या है, जो बैटरी लग रही है उतना ही वोल्टेज है। तो यहाँ पर अगर आपको I1 निकालना है तो देखो V इक्वल टू क्या होता है IR। तो 3 ओम की बात करें तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 80, करंट कितनी है I1, R कितना है 3, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 6 है। तो यानी कि यहां से कितनी जाएगी 6 है, तो टोटल यहां से 9 गई थी, 6 इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी 3 एम्पियर, 6 और 3 9। देखो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें करंट कम है, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही करंट का अपोज करना है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा तो वो कम करंट को आने देगा, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्टली I1 6 हुआ तो I2 कितना हुआ 3 एम्पियर। समझ में आया? तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल सर्किट का ध्यान में रख के तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कुछ भी निकालने को पूछ सकता है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ पैरेलल का, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं। अब यहां पर देखो तुम 36 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 36 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में 8 ओम लगा हुआ, 8 ओम के अगर आगे जाए तो यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक 6 ओम ब्रांच में एक 2 ओम, यानी कि यहां पर एक दूसरे के क्या है पैरेलल, 6 ओम और 12 ओम आपस में एक दूसरे के क्या है पैरेलल, और जो पैरेलल आर इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों के पैरेलल का वो क्या आएगा 1/6 + 1/12, इस तरीके से जो भी कुछ करके आएगा अप्रोक्सीमेट 4 ओम आएगा, तो वो यही इसकी जगह 4 ओम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 36 वोल्ट की बैटरी है, 8 ओम 6 ओम 12 ओम ये पैरेलल में है, फिर अगेन यहां से 12 ओम कोड लगा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल करंट आई कितनी फ्लो हो रही है सर्किट में से, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो अपन को आर इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले ये तो पता चल गया जितनी करंट आई 8 ओम में से ट्रांसफर होगी इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी आई, और यहां पर सपोज I1 गई तो यहां पर कितनी होगी I2, I1 I2 वापस से इधर में कितनी फ्लो होगी I2, यानी कि 8 ओम और 12 ओम एक दूसरे के क्या है सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी I करंट फ्लो हो रही है, इसमें से भी I करंट फ्लो हो रही है, और 6 और 12 आपस में क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले तो इनको R इक्विवेलेंट निकालो इनका, तो 6 और 12 का क्या हो जाएगा 1/6 + 1/12, इसको जब तुम 12 रखोगे तो 2 + 1 यानी कि 3/12 यानी कि अप्रोक्सीमेट 4 ओम आ जाएगा आर इक्विवेलेंट किसका, यानी कि आप इस डायग्राम को आप नेक्स्ट उसमें बनाना, इसकी जगह में क्या लगा सकता हूं 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, यानी कि 6 और 12 ओम को हटाकर मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं क्योंकि वो इन्हीं के इक्वल है। अब देखो आप सर्किट कैसे कन्वर्ट हो गया, 8 ओम 4 ओम और 12 ओम आपस में तीनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आई की वस्तु क्या होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है हमारा 36,
तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्योंकि सीरीज में कन्वर्ट हो गया, आर वन एट, आर टू फोर और आर थ्री ट्वेल्व, तो कितना हो गया 24, ये हो गया 3/2 एम्पीयर। यानी कि यहां से हमें टोटल करंट तो पता लग गई 3/2 एम्पीयर फ्लो हो, ठीक है, यानी कि 8 ओम में से 3/2, 4 ओम में से भी 3/2 और 12 ओम में से भी 3/2, ठीक है। अच्छा अब यहां पर वोल्टेज का भी पता लगा लेते हैं, इसमें अगर 3/2 जा रही है तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें से 3/2, आई आर कितना है 12, तो यानी कि 18 वोल्ट यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अच्छा 8 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 3/2 × 8 12 वोल्ट यहां पर हो रहा है। अच्छा 4 ओम के क्रॉस तो 3/2 × 4 6 वोल्ट हो रहा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देखते हैं 12 + 6 = 18, 18 + 18 = 36, आगे चीज समझ। तो यानी कि तुम तीनों, सबसे पहले नेट टोटल करंट निकालनी है आई, तो आई के लिए फॉर्मूला लगाओ V/R eq, फिर उस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो, जो जो सीरीज में बन रहे हैं सीरीज में बनाओ, जो जो पैरेलल में बन रहे हैं पैरेलल में बनाओ, और बनाकर वो फाइनल देखो सर्किट अगर सीरीज में आ रहा है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 + R2 + R3, और अगर फाइनल सर्किट हमारा पैरेलल में आ रहा है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से काम करना। जब नेट करंट निकल जाएगा तो नेट करंट निकलने के बाद अगर सीरीज में है तो हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, क्योंकि तीनों में करंट सेम हो रहा तो तीनों में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा, V = IR का। अगर सपोज पैरेलल हुआ तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अलग अलग, उस टाइम पर जो कंडीशन होगी निकालेंगे, है ना। तो यानी टोटल करंट निकालना आ गया और वोल्टेज ड्रॉप निकालना आ गया, ठीक। अब बात यहां पर यह है, हमने 4 ओम को यहां पर लगाया किसको, 6 और 12 को रिप्लेस करकर, मैं उसको वापिस से यही लगाता हूं, ये 6 ओम और ये 12 ओम, ठीक है। यहां से करंट कितनी जा रही थी, 3/2। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि 6 ओम में कितनी करंट गई, ठीक है, तो 6 ओम में से कितनी करंट गई, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 6 और 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना था, तो वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है 18 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 12 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो 18 + 12 कितना हो गया 30, और टोटल 36 है, यानी कि 6 वोल्ट इसके क्रॉस ही हमने देखा था, यानी कि 6 ओम के क्रॉस भी कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस है, 6 ओम के और 12 ओम के। तो यहां पर आप करंट निकाल सकते हो, करंट क्या होती है, I = V/R, तो V कितना है 6, R कितना है 6, यानी कि 1 एम्पियर, यानी कि 3/2 में से 1 एम्पियर इधर चली गई, तो बाकी की बची 0.5 एम्पियर बिल्कुल इधर गई होगी। देख लेते हैं, तो ये तो निकल गई I1, I2 अगर निकालना है तो V/R, V 12 ओम के क्रॉस 6 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 6/R कितना है 12, तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर, और मैंने ये सीखा, यानी कि 3/2 एम्पियर में से 1 एम्पियर ऊपर गई, 0.5 एम्पियर नीचे गई, वापिस से अगेन 3/2 यहां पर 12 ओम में से पास आउट होकर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ा करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ थोड़ा फास्ट तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो ये दो ब्रांचेस हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इसमें टोटल आई जा रही है, इसमें जाएगी I1, तो इसमें जाएगी I2, ये R2 है, ये R1 है, यहां से वापस से निकल के वापस से आई चलती है,
अगर तुम्हें आई वन आई टू का पता करना है तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो आई वन इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल करंट आई जितनी आ रही है, सामने वाले का रेजिस्टेंस लेंगे आर टू अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम आर वन प्लस आर टू। ये आपको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, आई वन के बारे में। और आई टू का है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अगर दो ब्रांच में फटाफट हमको करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आई वन आई टू कैसे निकालेंगे, टोटल करंट आई, आई टू निकालना है तो सामने वाले का रेजिस्टेंस आर वन अपॉन दोनों का रेजिस्टेंस का सम, आई वन निकालना था तो सामने वाले का रेजिस्टेंस आर टू दोनों का सम, तो आई वन और आई टू इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये याद कर लेना। और ये आया कैसे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, अगर सपोज दो ऐसे रेजिस्टेंस हो सीरीज में और तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप फटाफट कैलकुलेट करना बिना करंट निकाले, तो यहां पर सपोज V1 ड्रॉप हुआ, यहां पर V2 ड्रॉप हुआ, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज V इन टू, जहां का निकालना है वहां का R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, V2 यहां का वोल्टेज ड्रॉप निकालना, तो टोटल वोल्टेज V जहां का निकालना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि वोल्टेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वी वी टू को लिख क्या लेंगे, टोटल वी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, वी वन निकालना है तो वी इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। लेकिन करंट में ध्यान रखना, करंट में सामने वाले का रेजिस्टेंस लिया जाता है, जिस ब्रांच में से निकाल रहे हैं जैसे आई वन में से निकाल रहे हैं तो आर वन में से निकाल रहे हैं, तो आर वन नहीं लेके आर टू लेते हैं और अपॉन आर वन प्लस आर टू, और इसमें ठीक है आर टू में से निकालना है तो आर टू नहीं लेंगे, आर वन सामने वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, फिर और क्लियरिफाई हो जाएगा जब तुम क्वेश्चन करोगे, तो काफी सारे क्वेश्चन तुम्हें करने है ना, उस मॉड्यूल में से क्वेश्चन करना और फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए बहुत, फिर प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक, थैंक यू।